हेलो सर, मनीषा का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में अपन जा रहे हैं मार्केट, और मैं पहले बता दूं, हम लोग यार एक डॉग शो रखने वाले फाइनली। मैं काफ़ी महीनों से सोच रहा था अपन भी कुछ डॉग शो रखते हैं, क्योंकि जो मेरी सिटी है सतना सिटी, यहाँ पे डॉग शो होते ही नहीं है। एक बहुत पहले हुआ था, बट वो पता नहीं लोग भूल गए हैं, और रिसेंट में भी कोई डॉग शो हुआ नहीं है। मैं लॉकडाउन के पहले सोचा था अपन कुछ करेंगे, बट उसके बाद तो भाई आपको पता ही क्या हुआ, 2 साल, तो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। और आज फाइनली अभी हो रहा है, 8 अप्रैल हो रही है और 5:30 हो गए हैं, अभी अपन निकल रहे हैं। कुछ काम है मार्केट वगैरह में जहाँ पे अपन डॉग शो रखवा रहे हैं, प्रॉपर डॉग शो नहीं है, एक तरह से डॉग मीटअप है। इसका तो आपको पूरा व्लॉग मिल ही जाएगा। और ये मैं रख रहा हूँ मंडे को, 11 अप्रैल को अपन रख रहे हैं डॉग शो। तो अभी अपन को कुछ काम है, जाना है जहाँ पे हम लोग डॉग शो करवा रहे हैं, वहाँ पे जगह देखने जाना है, और एक दो मीटिंग भी है वो अटेंड करनी है। देन उसके बाद कुछ मेरे को डॉग फूड भी लेना है, कुछ अपन ट्रीट्स वगैरह भी देंगे डॉग्स को। तो आज काफ़ी सारा काम है, चलो निकलते जल्दी से। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर देना, और मेरे बताओ काफ़ी टाइम से मैं प्लान आउट कर रहा था कि अपन कुछ डॉग शो वगैरह रखते हैं, तो इस बार अपन फाइनली रख रहे हैं, और मंडे को रख रहे हैं 11 अप्रैल को। मैं आपको सब अपडेट कर दूंगा, अगर आप सतना से हो या आसपास, सतना के आसपास से हो तो अपने डॉग को ले आना डॉग शो में। प्रॉपर डॉग शो तो नहीं है, मैं आपको सारा अपडेट कर ही दूंगा, बाकी आपको पूरा ब्लॉग मिल ही जाएगा। जैसे आप देखते हो प्रोफेशनल डॉग शो वैसा नहीं है, अभी अपने इतना हाई स्केल पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अपन खुद ही कर रहे हैं, मैं और मेरा एक फ्रेंड कर रहे हैं, और बाकी मेरी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। तो यार यही है, चलो जल्दी से अपन मार्केट चलते हैं, कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं, और मैं आपको जगह भी दिखाता हूँ कहाँ पे अपन डॉग शो रखने वाले हैं। तो लेट्स गो। भाई देखो गाड़ी की क्या हालत हो, इतनी गंदी हो गई है, इसको भी अपने को धुलवाना पड़ेगा, पूरी गंदी पड़ी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ है ना, धूल बहुत उड़ती है, तो देखो कितनी लू वगैरह चली है ना, सारी गंदी पड़ गई है। चलो निकलते हैं अपन। तो अपन आए थे अपना गार्डन देखने, तो यहीं पे होने वाला है यार अपना पूरा प्रोग्राम। ये तो हम लोग का नहीं है शायद सूखने के लिए, बाकी यहीं पे पूरा अपन गार्डन में करेंगे। दीदी ये रही, और ये देख लो, बाकी चेयर वगैरह तो उधर हैं, जिसको ज़रूरत होगी वो ले लेगा चेयर। बाकी यहीं पे रहेगा शो। ये पुल अभी नया नया बना है, ये पुल आपको मैं किसी दिन रात को आके दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ से मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ, अगर किसी को अपने डॉग के साथ आना तो आ सकता है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया जगह है। और ये पता नहीं जो गार्डन है ना, मेरे फ्रेंड का ही है, यश भाई का है, तो उनने बोला कि यार यहीं पे कर लेना अपना जो भी प्रोग्राम वगैरह है। उनका एग्ज़ाम है तभी वो इस बार नहीं आ पा रहे, बट अपन जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तब वो भी साथ में रहेंगे, तो उनको भी अपन मिलवाएंगे आपको। सर यही था, अभी अपन निकल रहे हैं, अब मेरे को मीटिंग वगैरह पे जाना है, एक दो लोगों से मिलना है डॉग शो के रिलेटेड ही, तो वो भी मिलते हैं अपन। तो यहीं पे होगा यार अपना मंडे को डॉग शो, तो अगर आपके पास कोई भी डॉग है तो ले आना उसको, उनका बस अपन मीटअप रखेंगे, यहीं पे होगा। मैं आपको दिखाया तो लोकेशन ये विंद गार्डन है, यहाँ पे अगर आपको आना, ये विंद गार्डन है मेन मार्केट में, ये रिवर रोड में। तो गाइज मैंने आपको लोकेशन वगैरह तो बता दिए, तो यार ये देखो ये है पूरा डॉग मीटअप इन सतना, 11 अप्रैल को है मंडे को 4 से 6 बजे। तो यार ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जिसको आना है, और अगर जिसको शेयर करना है शेयर कर देना जिसके पास डॉग हो। और मैं आपको लोकेशन तो बता ही दी हूँ, विंद गार्डन में यहाँ पे है, तो आप आ जाना और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और 4 से 6 बजे के बीच में विंद गार्डन नियर क्राई ज्योति स्कूल। तो यहाँ देखो ये बजाज फिंसर का ऑफिस है, उसके जस्ट सामने में विंद गार्डन पड़ता है, तो आप यहाँ आना जिसके पास डॉग हो यार, बस अपन मस्ती करेंगे। सर मीटिंग हो गई है डन, और अभी हम लोग थोड़ा मार्केट आए हुए थे, मम्मी लोगों को कुछ काम था, तो ये वो लोग गए हुए शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और ये रेडियो चालू हो गया, आई डोंट नो व्हाई। तो यार ये अपडेट है कि ये मीटिंग डन है, और हम लोग, मैंने आपको दिखा भी दिया कहाँ पे डॉग शो होना है, और मैंने डॉग की ट्रीट्स वगैरह तो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि ऑनलाइन मंगा लेना, तो उसने लिंक भेजा, तो मैंने वो ऑर्डर वगैरह कर दिया था, वो आ जाएगा संडे को, और मंडे को हम लोग का प्रोग्राम है। तो यार अगर आपके पास डॉग है या आप किसी के फ्रेंड के पास डॉग है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर देना, और जो मैंने आपको दिखाया था ना पोस्टर, उसका स्क्रीनशॉट लेके वो अपने फ्रेंड को भेज देना। तो यार देखते हैं कैसा रहता है सीन, मैं आपको पूरी वीडियो तो अपन ब्लॉग बनाने ही वाले हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी अपन निकलेंगे घर की तरफ, और मैं आपको घर के पास भी, आप अगर मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा मेरे कॉलोनी में काफ़ी सारे डॉग्स रहते हैं, उनकी मैं काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज लगाते रहता हूँ, तो अगर वो लोग बाहर खेल रहे होंगे तो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। चलो अभी जल्दी से निकलते हैं घर, और भाई मैंने शीशा इसलिए बंद किया, नहीं तो देखो
बाहर से काफ़ी ज़्यादा नॉइज आती है और मैंने भी एसी भी बंद किया हुआ निकला है, काफ़ी ज़्यादा वीडियो में डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है चलो अभी अपन निकलते हैं घर, बाकी अब डायरेक्ट अपन घर जाके मिलते हैं। तो यार मैं घर आ गया था और अभी मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ और आपको मैं डॉग्स दिखाता हूँ, अगर मेरे को कहीं दिख गए तो आपको दिखा दूंगा एक दो डॉग्स, क्योंकि यहाँ पे घूमते रहते हैं जैसे पार्क है ना, पार्क साइड में काफ़ी ज़्यादा डॉग्स घूमते हैं। बट अभी शायद लेट हो गया, अराउंड 8 बज गए, तो अगर मैं कोई मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे देखो अपन शाम को साइकिलिंग यहाँ पे करते हैं, ये देखो ये डॉग पार्क है एक तरह से, यहाँ देखते हैं अगर मिले नहीं तो। जो तो यार ये कैंजो मेरी चप्पल है, हमेशा इसको खाने का मन होता है, ये ले। नो चलो बाय बाय, मिलते हैं डॉग शो में, बाय बाय। तो यार इसी को आप स्टोरीज में देखते हो मेरी, बाय एंजो, अभी थक गया है, खेल रहा था ये, बाय बाय। तो अब आप लोग बताना आप लोग को ये आज का व्लॉग कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। मतलब अपन व्लॉग नहीं कहेंगे, मैं आपको अपडेट वीडियो बस दे दिया कि यार अपन एक डॉग शो करवा रहे हैं, और जितने आसान लग रहे हैं ना डॉग शो है बट इतना आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अपने को चैलेंजेस भी आ रहे हैं। और अभी आप बैक एंड में देखे नहीं हो, बहुत लोग मतलब लगे हुए हैं साथ में मेरे, काफ़ी लोग हेल्प कर रहे हैं, वो तो मैं आपको मेन वीडियो में बता ही दूंगा। अपना शो है मंडे को, तो मंडे को मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कैसे हम लोग का शो जाता है। और अगर आप मैं से बताया, अगर आपके कोई फ्रेंड के यहाँ डॉग है या आपके यहाँ डॉग है तो आप लेके आओ, हम लोग बस एंजॉय वगैरह करेंगे। और इतना मतलब हाई फाई लेवल का नहीं है अभी शो हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट ही हम लोग करेंगे, इनिशिएटिव मैं लिया हूँ, क्योंकि सतना में होता हूँ बहुत मतलब सालों से हुआ ही नहीं डॉग शो, और मतलब कोई करवा भी नहीं रहा है, तभी मैं सोचा चलो अपन ही स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने में क्या दिक्कत है। और अभी बताओ अराउंड 8:30 होने वाले ऑलमोस्ट, और अभी मेरे को कहीं एक और जगह जाना है, तो यार अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। 3-4 दिन से अपन बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हम लोग का चल रहा है। पहले तो यार क्या था, हम लोग का जगह का दिक्कत बहुत हो रहा था, बट मेरे को यश भाई ने बहुत हेल्प की, वो मैं आपको इस बार नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, बट वो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब करेंगे तब मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा, उनने काफ़ी हेल्प की, अपना गार्डन दिया है। और भी काफ़ी लोग बैकहेंड में हैं, उनको भी मैं मिलवाऊंगा आपसे मेन वीडियो में। तो मिलते हैं यार अपन डायरेक्ट, अब नेक्स्ट वीडियो उसी दिन आएगी, मंडे को प्रोग्राम है, तो मैं ट्यूसडे की कोशिश करूंगा, ट्यूसडे की सुबह सुबह मैं वीडियो पोस्ट कर दूं। और जैसे ही मैं दिखाया मैं गया हुआ था बाहर, आपको मैंने एंजो से मिलवाया, जिसको मैं मिलवाया उसका नाम एंजो है, तो इसी को मैं सबसे ज़्यादा इंस्टा स्टोरी में डालता रहता हूँ, तो मैं सोचा चलो आप लोग को दिखा दिया जाए। तो चलो यार इसी के साथ अपन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब, और मेरा जो पोस्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उसको शेयर जरूर कर देना अपने ग्रुप्स में, जो भी सतना के लोग देख रहे हो और जो भी सतना के आसपास देख रहे हो, रीवा जबलपुर या कटनी से हो, तो कोशिश करना आप आओ तो आ जाना, 4 से 6 बजे का टाइम है। एंड हाँ टाइम का एक दिक्कत था, टाइम जैसे लोगों को लग रहा है कि 4 से 6 थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो यार मैंने इंडियन टाइम सेट किया जैसे 4 से 6, तो यार इंडियंस जो होते हैं हमेशा 4 बजे का टाइम देके 5 बजे आते हैं, तो वही मैंने थिंकिंग से टाइमिंग रखी है 4 से 6 बजे। बट प्रोग्राम तो देखते हैं उसी दिन मैं पता चलने वाला है क्या सिस्टम है, ठीक है। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आई होप आप भी एक्साइटेड हो गए। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और डॉग ओनर्स के साथ। अपन मिलते हैं ट्यूसडे को, ट्यूसडे को मैं वीडियो डाल दूंगा, होपफुली डाल दूंगा, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब थैंक वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।